तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2016 में रिलीज हुई फिल्म पुर्तगालियो। इस मूवी में बहुत ज़्यादा वॉयलेंस और घपाघप है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो आप समझ ही गए होंगे। तो बिना किसी देरी के हम मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक डेड बॉडी को देखते हैं। तभी वहाँ एक पुलिस ऑफिसर आता है और उस बॉडी को खींच कर वहाँ से ले जाता है। और अगले सीन में हमें वो पुलिस ऑफिसर दिखाया जाता है जिसने वो बॉडी को यहाँ पर लाकर बेच दिया है। वो पुलिस ऑफिसर इस बॉडी को एक फ्यूनल वाले को बेच देता है। डेड बॉडी को बेचने के बाद पुलिस ऑफिसर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर दो दोस्त आते हैं जिनमें से एक का नाम डेओग्रेड और दूसरे का नाम ऑन नॉन होता है। इन दोनों की को यही काम है होता है कि ये डेड बॉडी को फ्यूनल के लिए तैयार करें, और वो ऐसा ही करते हैं। वो एक बॉडी को तैयार कर रहे होते हैं फ्यूनल के लिए। अगले सीन में हमें एक फ्यूनल दिखाया जाता है जहाँ पर एक डेड बॉडी को रखा हुआ होता है और उस बॉडी के पास ही में ही सब लोग जुआ खेल रहे हैं। इसका मतलब यह है फ्यूनल के बहाने यहाँ पर सब जुआ खेलते हैं और शराब पीते हैं। इलीगल तरीके से फ्यूनल के दौरान वहाँ पर एक लड़की आती है। यह लड़की ऑन ऑन की एक्स गर्लफ्रेंड होती है जिसका ऑन ऑन से बैंड बजवाना बहुत पसंद है और वो ऑन ऑन से प्यार भी करती है, मगर ऑन ऑन उसे घंटा भी कुछ नहीं करता। और तभी हमें वहाँ पर वही पुलिस ऑफिसर दिखाया जाता है जिसने वो बॉडी बेची हुई होती है। ये तीनों इस धंधे में मिले होते हैं। फ्यूनल ख़त्म होने के बाद सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। तभी हमें ऑन ऑन और डेओग्रेड दिखाए जाते हैं। डेओग्रेड कहता है उसे कैप्टन की बेटी पसंद आ गई है। तभी ऑन उसे समझाते हुए कहता है, अगर तुम उससे दूर रहोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अगले सीन में हमें उन दोनों दोस्तों की मालकिन दिखाई जाती है जो अपने ड्राइवर के औजार को तेल लगा रही होती है, मतलब उसका नूनू चूस रही होती है। तभी वहाँ पर अचानक से वो पुलिस वाला आ जाता है और वो कहता है कि कुछ लोगों को हम पर शक है, इसलिए वो संभल कर रहे, और वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हमें डेओग्रेड दिखाया जाता है जो अपनी गर्लफ्रेंड चीची के साथ गपागप करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी चीची डेओग्रेड को गर्म करके छोड़कर वहाँ से चली जाती है। वो कहती है कि तुमने तो कहा था तुम मुझे 5-स्टार होटल में ले जाओगे, मगर तुम मुझे मुर्दा घर ले आए, और गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं गुमशुदा की तलाश में, मगर उनको वो डेड बॉडी नहीं मिलती और वो वापस चले जाते हैं। उन सब के जाने के बाद डेओग्रेड फीमेल डेड बॉडी को देखता है और धीरे धीरे अपना आपको रोक नहीं पाता। वो उस फीमेल डेड बॉडी को बीच की टेबल पर उठाकर रख देता है और उसके साथ गपागप करने लगता है। वहीं पर दूसरी तरफ हमें ऑन ऑन और उसकी गर्लफ्रेंड कार्ला दिखाई जाती है जहाँ पर ऑन ऑन जुआ खेल रहा होता है। कार्ला अपने मालिक के पास जाती है और कहती है कि वो ऑन ऑन को आज रात के लिए राजी करे ताकि वो मेरे साथ गपागप करे। कार्ला की ये बात उसका मालिक मान लेता है और ऑन ऑन को पैसे देकर राजी कर लेता है। तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ऑन ऑन और कार्ला गपागप कर रहे हैं, मगर ऑन ऑन को किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं होता। अब अगले दिन फिर एक बॉडी को उन्हें तैयार किया होता है फ्यूनल के लिए। सभी लोग वहाँ पर जुआ खेल रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक औरत आती है। जब वो उस डेड बॉडी को देखती है तो चिल्लाने लग जाती है और कहती है ये डेड बॉडी उसके पति की है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं मानता। कार्ला कहती है कि वो उसके पति बॉडी है। दोनों के बीच बहस होने लगती है। तभी वो औरत पुलिस को बुलाने के लिए कहती है। कुछ देर बाद वहाँ पर वही पुलिस वाला आ जाता है जो उनके साथ मिला हुआ होता है। वो उस औरत को समझा कर वहाँ से भेज देता है और कहता है कि वो उसका पति नहीं है। उसके पति के जाने की वजह से उसे ऐसा लग रहा है कि वो उसका पति है। उसके बाद हमें वो तीनों एक साथ दिखाई देते हैं। वो पुलिस ऑफिसर फिर उनको कहता है कि बचकर रहना, यहाँ पर अब कुछ भी हो सकता है, और वो वहाँ से चला जाता है। वापस जाने के बाद वो कॉल करता है और कहता है कि वो औरत नहीं मानी, उसने रेड के लिए अपील की है और इसलिए अब वो वहाँ पर रेड मारने आ रहे हैं, इसलिए सब वहाँ से भाग जाएं। वो सब वहाँ से भागने लगते हैं, साथ में एक डेड बॉडी को भी साथ ले जाने लगते हैं। उस बॉडी को गाड़ी में रख देते हैं। तभी ड्राइवर की आँख झपक जाती है और जिस वजह से गाड़ी पलट जाती है और एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट में कार्ला और ड्राइवर की मौत हो जाती है। ऑन वहाँ से वहाँ आता है तो अपनी गर्लफ्रेंड को देखकर बहुत गुस्सा होता है और उस मार मार कर उसका चेहरा ख़राब कर देता है और वहाँ से चला जाता है।
दूसरी तरफ हमें ओनोन की मालकिन दिखाई देती है जो ओनोन पर बहुत गुस्सा होती है। कहती है, तुमने ऐसा क्यों किया? ओनोन बताता है कि वह कार्ला को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, इसलिए उसने ऐसा किया। दूसरी तरफ डेवग्रेड उन बॉडीज को दफना रहा होता है और दफना कर वापस काम पर आ जाता है। जब वो काम करता है तो कुछ लोग वहाँ पर एक बॉडी को रख कर चले जाते हैं। जब वो उस बॉडी को देखता है तो वो उसकी गर्लफ्रेंड होती है, उस कैप्टन की बेटी। जब डेवग्रेड उस बॉडी को देखता है तो काफ़ी सैड होता है और रोता भी है। तभी उसका मूड चेंज होता है और वो उस बॉडी के साथ गपा गप करने की सोचता है, और गपा गप करने के लिए वो उस बॉडी के कपड़े उतारने लगता है और अपने भी कपड़े उतार लेता है। जैसे ही वो गपा गप करने जा रहा होता है तभी कैप्टन वहाँ आ जाता है और डेवग्रेड को ऐसा करते हुए देख उसे बहुत गुस्सा आता है। वो डेवग्रेड को गोली मार देता है, डेवग्रेड मर जाता है। फिर डेवग्रेड हमें उसी टप में दिखाया जाता है जिसमें वो बॉडी को लेटाया करता था। डेवग्रेड की मालकिन बोलती है, अब हम इसकी बॉडी को भी फ्यूनल के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आगे हम और भी मज़ेदार वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।